हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेकंड हिंदी प्रवेशिका। आर यू फाइन स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल फाइन। आप घर पे हो तो स्टूडेंट्स फाइन। टुडे स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी क्वेश्चन। आज स्टैंडर्ड सेकंड में हम सब्जेक्ट हिंदी लर्न बाय हार्ट करेंगे। नाउ वी स्टार्ट स्टूडेंट्स पेज नंबर 46 क्वेश्चन। तो पेज नंबर 45 तक हमने दिवाली के पहले सब लर्न बाय हार्ट कर लिया था। आज हम 46 पेज नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सेकंड सेमेस्टर में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हिंदी में पेज नंबर 46। चित्र पहचान कर कोष्टक भरना है। तो आपको आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आपको चित्र को पहचानना और ये आइडेंटिफाई जो खाली जगह दी गई इसको भरना है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया नौकर, औजार, खिलौना, बौना, नौका, चौका। ओके, तो देख सकते स्टूडेंट्स आप लोग कैसे करना है। यहाँ पर ये क्या है, ये है नौकर, ये है नौकर। और ये सेकेंड लाइन में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सेकेंड लाइन बनेगी हमारी औजार। क्या बनेगा, औजार। ओके, उसके बाद ये है खिलौना, ये बनेगा हमारा खिलौना। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, देख सकते हो स्टूडेंट्स ये कौन है, बौना। बौना भी जो छोटे होते हैं उसे कहा जाता है बौना, ये है बौना। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देख सकते हो क्या है, ये नाव जिसे कहते हैं बॉटमिस नाव, ये क्या इसे कहते हैं नौका। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे, नौका। एंड ये क्या है, चौका। ओके, ये नौकर चौका। तो स्टूडेंट्स तो चित्र पहचान कर कोष्टक जब हमने भर दिया, देखिए यहाँ देख सकते हैं एक बार, नौकर, औजार, खिलौना एंड बौना, नौका एंड चौका। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, छुट्टे अक्षर को लिखना है। तो राइट द मिसिंग लेटर, जैसे देख सकते हैं दिया गया हथौड़ी, फौजी, फौरन, लौटना, दौड़ना, कौआ, औरत, मौलवी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर हथौड़ा, ओके, यहाँ पे थो करेंगे तो हथौड़ा कंप्लीट हो जाएगा। फौजी में यहाँ पर फो करेंगे तो ये फौजी कंप्लीट, एंड फॉरन में करेंगे स्टूडेंट्स फो तो ये हमारा फॉरन कंप्लीट, एंड लौटना में करेंगे स्टूडेंट्स लो तो हमारा लौटना कंप्लीट, दौड़ना में करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर दौड़ना कंप्लीट, ने कौआ में करेंगे स्टूडेंट्स ये हमारा कौआ कंप्लीट, ये रद्द दिया गया इसमें औ कर देंगे तो औरत बन जाएगा, मौलवी, मौलवी में मौ कर देंगे तो ये हमारा मौलवी बन जाएगा। तो स्टूडेंट राइट द मिसिंग लेटर कंप्लीट। अब आप क्या करना है, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरनी है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, हमें कोष्टक में शब्दों को चुनना है और खाली जगह कंप्लीट करना है। जैसे देख सकते हैं पौधा, सरोता और चौका इसे दिया गया, इनकी हेल्प से हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है कंप्लीट करना है। इसे रमेश डैश पकड़, तो रमेश को क्या पकड़ने के लिए कहा गया है, लुक एट दिस पिक्चर, देख सकते चित्र में दिया गया है रमेश को सरोता, जिसे सुपारी को कटिंग करते हैं ना, रमेश को सरोता पकड़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, मीना खाली जगह लाती है, तो मीना क्या लाती है, मीना ये क्या है, लुक एट दिस पिक्चर, ये है चौका, तो मीना चौका लाती है। ठीक है, तो मीना हमारी चौका लाती है। ठीक है, मौसी खाली जगह लगाओ, तो मौसी को क्या लगाने के लिए कहा गया है, मौसी को पौधा लगाने के लिए, मौसी पौधा लगाओ, तो ये हमारी खाली जगह कंप्लीट हो गई। अब वाक्यों को पढ़ना है और लिखना है, तो स्टूडेंट्स आपको रीड द सेंटेंस एंड राइट, तो आपको इन वाक्यों को पढ़ना और सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पर एक बार आपस में आपको रिवाइज कराओ एक बार, मौसम बड़ा सुहाना है। ओके, गौतम गाना गाता है, नौकर काम करता है, गौरी घर लौट रही है। तो यहाँ पर ये वन लाइन दिया गया, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसे ट्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मौसम बड़ा मौसम बड़ा सुहाना है। ओके, तो वन लाइन मैंने प्रेस कर दी, बाकी की 1, 2, 3 लाइन्स आपको ये मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग को आपकी वर्क बुक्स में और CW नोटबुक्स में स्टूडेंट्स इसे नहीं बनाना है, बाकी ये जो छोटे अक्षर लिखना है एंड ये जो खाली जगह दी गई ये करना है और बाकी को पढ़कर सुंदर सी राइटिंग में आपको CW नोटबुक्स में एंड वर्क बुक में कंप्लीट करना है। अब हम अगला पेज ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, पढ़ो और रंग भरो, तो रीड इट एंड कलर, आपको पढ़ना है और कलर कंप्लीट करना। अंग अंग अ प्लस अंग, तो क्या अंग क्या हुआ, अंग, देखिए यहाँ पर अंग क्या है, अंग से क्या होता है, अंगूर, अंग से क्या होता है, अंगूर। ओके, अंगूर इंग्लिश में क्या होता है, ग्रेप्स, क्या है ये, ग्रेप्स। अंग से देखो यहाँ पर अंडा, अंडा मिस क्या होता है, एग, अंडा मिस क्या होता है, एग।
पढ़ो और लिखो, तो रीड एंड राइट आपको क्या पढ़ना है, अंग, क्या करना है, अंग, देखो इसे ट्रेस करके लिखना है, ओके। तो आपको अंग यहाँ पर करना है इस तरह से धीरे धीरे, ये रहा हमारा अंग, ओके। अंग अह कहते हैं ना, अंग है, ठीक है, ये इस तरह से करना है, ओके। अब ये सेकंड लाइन में भी ट्रेस कर दूँ आपको मैं, अंग, क्या है ये, अंग। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग को ये पूरी लाइंस कंप्लीट करनी है, ओके। तो ये वन लाइन में कंप्लीट कर दूँ, बाकी की सेकंड लाइन आपको खुद कंप्लीट करना, अंग क्या है ये, इस तरह से बनाना, देखिए पहले ऐसे ट्रेस करना है, इसको ऐसे करना है और ऊपर एक पॉइंट करना, अंग हो जाएगा। अगर ये नहीं करोगे बच्चों बिंदु, तो ये अंग नहीं बनेगा, ये सिर्फ अ ही कहलाएगा, ठीक है। सेकंड लाइन खुद कंप्लीट करना, पढ़ो लिखो, तो ये बाइट। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया, कंग से श्रंग तक पूरा आप पॉइंट लगता है ना स्टूडेंट्स, क्या देखो क्या है, आपको ट्रेस करना, मैं आपको लिख के बता देती, ठीक है। कंग खंग गंग घंग चंग छंग जंग झंग टंग ठंग डंग एंग ढंग, ओके। यहाँ पे रंग तंग थंग दंग धंग नन पम सॉरी पंग फंग बंग भंग मंग यंग, ओके। इसके बाद हमारा है रंग लंग वंग शंग संग शंग हंग छंग ग्यंग त्रंग श्रंग। तो श्रंग देख सकते हो, श्रंग क प्लस अंग लगाया तो कंग हुआ, ख प्लस लगाया तो खंग, ग से गंग, घ से घंग, छ से चे। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंग से लेकर श्र श्रंग तक मैंने आप लोग को कंप्लीट करा, इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग को करना है, आपकी वर्क बुक्स में कंप्लीट करना है, नावी डैश पैटर्न करेंगे स्टूडेंट्स। पढ़ो सीखो और लिखो, रीड लर्न एंड राइट। ये क्या है, अम्बाला मंदिर, हंस गंगा बंदर पतंग तिरंगा एंड नारंगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग को देखो अम्बाला पहले बनाना है, ट्रेस करना है, देखो स्टूडेंट्स आप लोग को पहले अम्बाला को ट्रेस करना है, ये है हुआ हमारा अम्बाला, क्या है ये अम्बाला, मंदिर, ये है मंदिर, हंस ये है हमारा गंगा, क्या है स्टूडेंट्स ये है गंगा। उसके बाद क्या है ये सेकंड लाइन में फर्स्ट है हमारा, ये है बंदर। उसके बाद है स्टूडेंट्स ये है पतंग, इसके बाद है ये तिरंगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को धीरे धीरे स्लोली राइटिंग पढ़नी है, आपकी गुड राइटिंग आएगी मुझे, ठीक है। ये है नारंगी, नारंगी, वैसे नारंगी पे अगर स्टूडेंट्स नारंगी ना नारंगी, तिरंगा बन गया, पतंग बंदर अम्बाला मंदिर हंस एंड गंगा, ओके। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आप लोग को, ये मैं ये होमवर्क में दे दूँ, तो ये जो बाकी की दो लाइन है आप लोगों को खुद कंप्लीट करनी है आपकी वर्क बुक्स में, ओके। असी सुरु वाले शब्दों को टिक करना है, तो टिक द वर्ड्स विच बिगेन विथ अ, ओके। किस पे आपको टिक करना है, अ पे, किस पे करना है, असी सुरु वाले शब्दों को, देख सकते हो लुक एट दिस पिक्चर अंग। तो स्टूडेंट्स असी सुरु वाले चित्रों से आपको जोड़ना है, जैसे अंग से अंगूर, आशे अंश मंडी चंदा अंगार और कंघा, ओके। तो अंश से अंश एंड अंगार, तो आसे शुरू वाले चित्रों से मैंने जोड़ दिया। अब आ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाना है, ओके। तो मैक द वर्ड बाय डायरेक्शंस, ओके। आपको रीडिंग द अ इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, जो एरो दिए गए स्टूडेंट्स डायरेक्शन के हिसाब से आप लोग को इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऐसे, ऐसे जोड़ेंगे तो अंडा हो जाएगा, ऐसे अंगूर, ऐसे अंबर, ऐसे अंकुर, ऐसे
अतर असे अगुल अंगुल ओके। अब जैसे दिया गया अंडा, आप करेंगे अंगूर ओके, अंबर ओके। अब ये हो गया हमारा अंकुर। अब ये है अतर, अतर मीन्स सेंट, जो परफ्यूम कहते हैं वो। ऐसे अंगुल नहीं बोलते, एक अंगुल माप लिया मैंने, दो अंगुल माप लिया, ऐसे ओके। जैसे मेजरमेंट से मापते हैं बच्चों, ऐसे ही अंगुल ऐसे करते स्टूडेंट्स है, ये अंगुल ओके। तो आपको तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाना, मैंने कंप्लीट कर दिया। इस तरह से आप लोग को इस तरह से आपकी CW नोटबुक्स में ये कंप्लीट करना है। चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। तो आप लोग को चित्र को देखकर उसका नाम लिखना है। जैसे दिया गया पतंग, झंडा, बंदर, नारंगी ओके। तो लुक एट दिस पिक्चर, देखिए स्टूडेंट्स किसका चित्र है ये, ये है पतंग। क्या है ये, नहीं सॉरी, ये है हमारा झंडा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये है झंडा, ये है हमारा पतंग ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नारंगी, लास्ट में क्या है ये, लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, गैसेस करिए, ये है बंदर, जिसे हम इंग्लिश में मंकी कहते हैं ओके। इंग्लिश में तिरंगा को फ्लैग कहा जाता है, काइट पतंग को काइट कहा जाता है, नारंगी को ऑरेंज और बंदर को मंकी। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 48 तक आप लोग को कंप्लीट करना है आपकी वर्क बुक्स में एंड CW नोट बुक्स में ओके। CW में आपको ये आपको तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाना, तो अलिख का यू ट्रेस ये क्रॉस करना, क्रॉस करके आप लोग को डायरेक्ट इसके नेम्स लिखने हैं, और इनके भी आपको ड्राइंग नहीं करनी, ऑल फॉर इसके नेम्स लिखने हैं ओके। आज से शुरू वाले शब्दों को बनाना है, जोड़ना है, टिक करके आप लोग को आपकी CW नोट बुक्स में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 46 में आपको मिसिंग लेटर और क्वेश्चन में शब्द चुनकर खाली जगह भरनी है, बाकी को पढ़ना और लिखना। तो स्टूडेंट इतना आपको करना है आपकी CW नोट बुक्स में एंड वर्क बुक्स में ओके। और आगे पेज नंबर 48 तक कंप्लीट कर लेना है। पेज नंबर 49 मैं आपको लर्न बाय हार्ट कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।